दिल्ली एयरपोर्ट पर 37 साल के एयर इंडिया के एक पायलट को हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, एविएशन रेगुलेशन बॉडी पायलट की मौत के बाद ये बात सामने आई, जहां पर ये बयान दिया गया कि इसके लिए एयर इंडिया जिम्मेदार नहीं है। हालांकि एविएशन रेगुलेशन बॉडी की तरफ से ड्यूटी की वजह से होने वाली थकान के चलते जान जाने की बात को नकारा गया है। पायलट की मौत की वजह से हर कोई हैरान है, क्योंकि उसे फिट घोषित किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के सूत्रों ने बताया है कि कैप्टन हिमानिल कुमार का 23 अगस्त को मेडिकल टेस्ट भी हुआ था। इस दौरान उन्हें फिट घोषित किया गया था। मेडिकल सर्टिफिकेट अगस्त 2024 तक वैलिड भी था। फ्लाइंग ड्यूटीज को लेकर थकान संबंधी कोई समस्या नहीं थी, ये कहा गया। पायलट B-777 विमान को उड़ाने के लिए 3 अक्टूबर से ही कोर्स कर रहे थे। वो पहले A-320 टाइप के विमान को उड़ाया करते थे। सूत्रों ने कहा कि कैप्टन हिमानिल कुमार दिवाली से ही छुट्टी पर थे और उन्होंने गुरुवार से ही क्लास शुरू की थी। इस क्लास में उन्हें B-777 एयरक्राफ्ट का दौरा करना था। यही वजह थी कि वो T3 टर्मिनल पर थे। उनकी पिछली सभी मेडिकल जांच ठीक थी और उनमें कोई लंबे समय से मेडिकल समस्या भी नहीं पाई गई। एयर इंडिया ने कहा है कि वो सीनियर कमांडर थे और दिल्ली एयरपोर्ट पर एयरबेस से B-770 में ट्रांजिशन के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे। बताया गया कि एयरलाइन ने कहा है कि जैसे ही उनमें बेचैनी के लक्षण दिखने लगे, उनके सहकर्मियों ने तुरंत उनकी मदद करने की कोशिश की। हालांकि वो उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। विमानन कंपनी ने क्या कहा है ये भी बता देते हैं। कहा है कि हम कैप्टन हिमानिल कुमार के निधन पर दुखी हैं। कैप्टन कुमार एक सीनियर कमांडर थे। वो रूटीन प्रोसीजर के तहत T3 दिल्ली एयरपोर्ट पर हमारे ऑपरेशन ऑफिस तक गए थे, लेकिन उन्हें अचानक ऑफिस में परेशानी होने लगी। उनके सहयोगियों ने तुरंत उनकी मदद की। कैप्टन को एयरपोर्ट कैंपस में मौजूद अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कंपनी ने कहा है कि पायलट एक्टिव ड्यूटी पर नहीं थे और वो बड़े विमान को उड़ाने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे। फिलहाल एयर इंडिया ने पायलट की मौत पर दुख जताया।